परम आदरणीय प्रोफेसर एस एल निगम जी, पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णामृतानंद जी महाराज, उपस्थित देवियों सज्जनों तथा प्रिय छात्र छात्राओं, यदि आप लोग शांत रहेंगे तो आपको सुनने में सुविधा होगी और वक्ता को बोलने में संतोष होगा, क्योंकि शोर होने पर एक तो जोर से बोलना पड़ता है और उद्विग्नता होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग शांतिपूर्वक सुने। मेरा विषय, जैसा कि बताया गया है, कि भारतीय शिक्षा का आदर्श। शिक्षा के संबंध में आप जानते हैं, शिक्षा वह निर्देश है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन को संवारती है और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करती है, और न केवल सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का संरक्षण करती है, अपितु उन मूल्यों को आने वाली पीढ़ी में वो संक्रमित भी करती है। और इस दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। भारतवर्ष का यह बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व हमारी शिक्षा का निर्धारण ब्रिटिश शासकों ने किया और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हीनता का बोध प्रदर्शित करें और पाश्चात्य जीवन शैली और पाश्चात्य संस्कृत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाएं और उसके प्रति अपना बड़ा महत्वपूर्ण भाव विकसित करें। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब आई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हमने अपने इस शिक्षा के मूल्यों को सुधारने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। यद्यपि शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया, बहुत से आयोगों का निर्माण किया गया, उनकी संस्तुतियाँ भी प्राप्त की गई, पर कोई सार्थक प्रयास सिद्ध नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया। सन 1986 में श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व के काल में नई शिक्षा नीति लागू हो की गई, पर उसमें भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ वह लागू की गई और कोई सार्थक प्रयास उसमें नहीं आया। पाश्चात्य मूल्यों के प्रति अपना राग और भारतीय मूल्यों के प्रति अपना विराग और हे दृष्टि, यह भारतीय जनमानस की विशेषता रही है। इस प्रकार हम शताब्दियों से हम एक विदेशी शिक्षा पद्धति का भार अनावश्यक रूप से ढोते रहे हैं। हाँ, एक परिवर्तन जरूर हमारी शिक्षा पद्धति में आया है, हमारा रोल मॉडल बदल गया है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा रोल मॉडल इंग्लैंड था और स्वतंत्रता के पश्चात हमारा रोल मॉडल अमेरिका हो गया है। आज जैसा अमेरिका सोचता है, जैसा करता है, वैसा सोचने और करने में हम अपना गौरव का अनुभव करते हैं। पर हमारी मूल शिक्षा नीति जो हमको समृद्ध कभी बनाई थी, वह शिक्षा नीति हम अपने जीवन में अभी तक ला नहीं पाए हैं। अभी अभी नई शिक्षा नीति फिर आ रही है और इसके परिणाम अभी देखे जाने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि हम शताब्दियों से एक विदेशी शिक्षा नीति को का भार अनावश्यक रूप से ढोते रहे हैं और अब समय आया है कि शिक्षाविदों को कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी शिक्षा पद्धति का विकास करना होगा। यह एक स्थापित सत्य है कि जो राष्ट्र इस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते,
उन्हें बहुत सी मनोसामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसलिए यह हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो गया है कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करें जो न केवल स्वदेशी हो किंतु हमारे भारतीय मानस के अनुकूल हो। तो इसका जो दायित्व है वह आज के शिक्षा शास्त्रियों पर है। आप सभी जानते हैं कि जापान ने अपने प्रबंधकीय तकनीक और शैक्षणिक तकनीक के द्वारा एक अद्वितीय सफलता हासिल की है, किंतु अमेरिका जापान की तकनीक को अपनाकर उस प्रकार से सफलता हासिल नहीं कर सकता जैसा कि जापान ने की है। यदि अमेरिका को उस प्रकार से उत्कृष्टता अपने प्रबंधनी क्षेत्र में अथवा शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध करनी है तो उसे अपने सांस्कृतिक मापदंडों के हिसाब से प्रबंधकीय तकनीक और शैक्षणिक तकनीक विकसित करना होगा। ठीक उसी प्रकार भारत अमेरिका का, जापान का अथवा यूरोप का नकल करके महान नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र किसी का नकल करके महान नहीं हो सकता। भारत को यदि महान बनना है तो उसको अपने भारतत्व को विकसित करना होगा। भारत को यदि अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार लाना है तो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को हमारी शिक्षा पद्धति में समावेशित करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में हमारे उपनिषदों की अंतर्दृष्टि समाहित हो, पतंजलि योग सूत्र के ध्यान हमारे शिक्षा पद्धति में समाहित हो, और उसी प्रकार से गीता में कहे गए कर्म कौशल हमारी शिक्षा पद्धति में समाहित हों। जब ये तीन तत्व हमारी शिक्षा पद्धति में समाहित होंगे तब निश्चित रूप से भारत पुनः अपने पुराने सांस्कृतिक वैभव को प्राप्त कर सकेगा। और जब तक हम पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते रहेंगे हम आगे बढ़ने की दिशा में बहुत सफल नहीं हो सकते। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में अपना वक्तव्य देकर लौटे और यूरोप और अमेरिका का भ्रमण करने के बाद भारत में आए, और भारत में उन्होंने अल्मोड़ा तक व्याख्यान दिए। उनके ये जो व्याख्यान हैं अंग्रेजी में हिज लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में संग्रहित हैं। भारतीय उनके जो व्याख्यान हैं वो भारत में विवेकानंद नामक पुस्तक में संग्रहित हैं, और उन व्याख्यानों को यदि हम लोग पढ़ें तो हम लोग एक बात स्पष्ट देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने यह बार बार कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राण केंद्र होता है, और जब तक उस राष्ट्र का वह प्राण केंद्र सुरक्षित है उस राष्ट्रीय जीवन में कितनी भी आपत्तियां विपत्तियां आईं उस राष्ट्र का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्राण केंद्र वाणिज्य है, इंग्लैंड का प्राण केंद्र वाणिज्य है। जब तक इंग्लैंड का प्राण केंद्र वाणिज्य सुरक्षित रहेगा अंग्रेज इंग्लैंड किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। यह बात स्वामी विवेकानंद ने लगभग 125-130 साल पहले कही थी, और आज भी हम देखते हैं कि वो कितना सत्य है। आज इंग्लैंड वैसा नहीं है जैसा पहले था। पहले तो ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता है। वह केवल इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड का जो व्यापार है वो सारे विश्व में था। व्यापार के माध्यम से इंग्लैंड ने सारे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया था, किंतु आज व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विश्व के अनेक राष्ट्र सामने आ गए हैं, और आज इंग्लैंड की वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले थी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राण केंद्र होता है। इंग्लैंड का प्राण केंद्र उसके व्यापार में है, अमेरिका का प्राण केंद्र उसकी राजनीति में है, और भारत का प्राण केंद्र उसके धर्म में है। स्वामी जी ने कहा कि भारत का आदर्श धर्म है, भारत का प्राण धर्म है। जब तक भारत का धर्म सुरक्षित है तब तक भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। और स्वामी जी ने यह कितनी बात एकदम सही कही। शताब्दियों से हम गुलाम रहे हैं, शताब्दियों से हम पर आक्रमण प्रत्याक्रमण होते जा रहे हैं, किंतु हमारा अस्तित्व मिटा नहीं है। और इसीलिए इकबाल कवि ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो यह जो प्राण केंद्र हमारा धर्म है, यह धर्म हमको आज तक जीवित रखा है। अनेक आघात प्रतिघातों के बावजूद भी
कितने विदेशी लोग आए, हमको नष्ट करने का प्रयास किए, किंतु हम नष्ट नहीं हो पाए। देखिए, एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयाण के दर्प से सारा विश्व कांप उठता था। वह यूनान देश कहाँ है? यूनान देश का गौरव आज नष्ट हो गया है। एक समय था जब पृथ्वी की प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के पीछे रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही सारी दुनिया कांप उठती थी। वही रोम का कैप्टोलाइन पहाड़ आज भग्नावशेष की ढूंढ मात्र है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जहां सीजर राज्य करता था वहां मकड़ियां जाले बुना करती हैं। ऐसे कितने राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास और आवेश पूर्ण प्रभुत्व का कलुषित जीवन बिताकर कितने राष्ट्र उठे गिरे, किंतु हम हैं जो शताब्दियों की गुलामी के बाद भी नष्ट नहीं हुए हैं और दिनों दिन अधिक तेजस्विता के साथ विश्व के रंगमंच पर आ रहे हैं, तो हमारे जीविषा का कारण है, हमारे अस्तित्व का कारण हमारे धर्म में सुरक्षित है। यदि आप भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो भारत का प्राचीन इतिहास कितना गौरवमय था। दुनिया में हमारा नाम अद्वितीय था। दुनिया के अनेक देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, यूरोप के बहुत देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। व्यापार के क्षेत्र में हम उत्कर्ष में थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में हमने विशिष्टता प्राप्त की थी। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में तो हमारी कोई सानी ही नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सिद्धांत थे। प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे सिद्धांत थे। हमारी अपनी अर्थनीति थी। और ये सब मोक्ष के महान आदर्श से संचालित होती थी। मोक्ष हमारा राष्ट्रीय आदर्श था। और मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष का तात्पर्य है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। उस समय भारत में भी बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे और विदेश से छात्र आकर यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। वे सब अध्ययन करते थे। यहाँ अर्थशास्त्र का अध्ययन होता था, विज्ञान का अध्ययन होता था, तकनीकी का अध्ययन होता था, राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता था, कला और संगीत का अध्ययन होता था। इन सब में हम शीर्ष स्थिति में थे। पर इन अध्ययन के साथ वे मोक्ष तत्व की भी साधना करते थे। हमारे उपनिषदों में कहा है, द्वौ विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। दो प्रकार की विद्याएं हमको जाननी हैं। एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद शिक्षा कल्प छंद व्याकरण निरुक्त ज्योतिषमिति। तो दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। एक अपरा विद्या बताई गई है कि अपरा विद्या में जितनी ये भौतिक विद्याएं हैं वो सब सम्मिलित थी। विज्ञान, दर्शन, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत था। और परा विद्या का मतलब यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उस आत्म तत्व का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। तो हमारे भारत की यह परंपरा थी कि हम इस अपरा विद्या के साथ परा विद्या भी पढ़ते थे। एक अच्छा इंजीनियर व्यक्ति बनता था और एक अच्छा आदमी भी बनता था। यही तब शिक्षा का उद्देश्य सार्थक होता है। एक अच्छा डॉक्टर बन जाए और ऑपरेशन टेबल में यदि रोगी से वो भाव ताव करने लगे तो उसके उस डॉक्टरी विद्या का मूल्य ही क्या है। तो हमारे यहाँ एक ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो मनुष्य का निर्माण करती थी। जहाँ पर हम अपरा विद्या की शिक्षा ग्रहण करते थे, इस मोक्ष तत्व की भी शिक्षा हम ग्रहण करते थे। और जैसा मैंने कहा, ये मोक्ष तत्व क्या है? यही हमारे शिक्षा का आदर्श रहा है, चिरकाल से भारत का आदर्श रहा है। और इस मोक्ष के पीछे भारत ने अपना सब कुछ लुटा दिया है। और स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा की परिभाषा दी, आप में से तो बहुत से सब शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा विषय को लेकर अध्ययन करते हैं, शिक्षा के संबंध में बहुत सी परिभाषाएं आप लोग पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है वह अत्युत्तम है।
स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित दिव्यता है उसी का प्रकाश शिक्षा है। भौतिक शिक्षा तो अपने स्थान पर सही है, उसका निषेध हमारे यहाँ नहीं किया गया है। हमारे उपनिषदों में कहा गया धर्म तो यह है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती हो, जिसके द्वारा भौतिक विद्या और आध्यात्म विद्या दोनों की सिद्धि होती हो, वही धर्म है। तो हमने भौतिक विद्या की कभी उपेक्षा नहीं की, और जब कभी भी हमने भौतिक विद्या की उपेक्षा की हम दुर्बल हो गए, फिर हम गुलाम हो गए। पर भौतिक ऐश्वर्य भौतिक विद्या हमारे जीवन का कभी आदर्श नहीं रही। भारत का आदर्श राजसत्ता प्राप्त करना नहीं रहा, भारत का आदर्श वैभव प्राप्त करना नहीं रहा, भारत का आदर्श रहा कि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो अनंत शक्ति भरी हुई है, जो अनंत शक्ति प्रच्छन्न है, जो छिपी हुई है, उस दिव्य शक्ति को जानना, उस दिव्य शक्ति का अनुभव करना, यही भारतीय शिक्षा का आदर्श रहा है। असीम व्यक्ति के भीतर में शक्ति भरी हुई है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी शिक्षा पद्धति वेदांत पर आधारित होनी चाहिए, वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से हमारी शिक्षा पद्धति का नियमन होना चाहिए। वेदांत क्या है? वेदांत केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा अनुप्रयोग है। वेदांत का सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत का सिद्धांत है तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ तुम भी वही हो, इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपयोग है। इसका अर्थ यह है कि जब बालक विद्यालय में जाता है, पहली बार जब विद्यालय में जाता है, तो शिक्षक का दायित्व है कि वह बालक को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि उसके भीतर इतनी अनंत शक्ति भरी है कि वह जो भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ है। उसको बताए कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो तुम नहीं प्राप्त कर सकते। सही दिशा में प्रयास करने से प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के अंदर ऐसी ही शक्ति है। हम लोग ये गधा है, ये बुद्धिमान है, जो ऐसी जो बातें करते हैं वो वृथा बातें करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही दिव्य शक्ति भरी हुई है, जो मैं हूँ वही आप है, जो ब्रह्म है वही ईश्वर है। हम लोग तो ईश्वर की संतान हैं। अमेरिका के शिकागो नगर में स्वामी विवेकानंद ने डंके की चोट पर कहा, वहाँ तो बोला जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से पापी है, उसके धर्म का सिद्धांत था कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म से पापी है। स्वामी विवेकानंद वहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने उपनिषदों के सत्य की घोषणा की, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते नाय। उन्होंने कहा कि हम लोग सब अमृत के पुत्र हैं, अपने भीतर की उस शक्ति को जानना है, उस भीतर की शक्ति को जानिए। तो अपने गुरु भाई को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, रामकृष्णानंद जी को पत्र में लिखा, किन नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्ति आमंत्रयस्व भगवन् भगदम स्वरूपम त्रैलोक्यमेतद अखिलम तव पाद मूले आत्मै वही प्रभवति न जड़ कदाचित। रोते क्यों हो बंधु, सारी शक्ति तो तुम्हारे भीतर है, अपनी उस शक्ति को प्रकट तो करो, दुनिया का जो सारा ऐश्वर्य है वह तुम्हारे चरणों में लौटने लगेगा। और जब यह आत्म तत्व जागृत होता है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है, फिर संसार की जो सारी शक्ति है उसके सामने दुर्बल हो जाती है। गांधी जी के पास क्या था बताइए? जिन अंग्रेजों ने कितने राष्ट्रभक्त लोगों को गोलियों से भूंज दिया, कितने लोगों को फांसी के तंधे पर तख्ते पर झुला दिया, गांधी जी कितने बड़े सिरदर्द थे। गांधी जी को वैसा नहीं कर सकते थे क्या? पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांधी जी ने अपने जीवन में जिस अहिंसा की शक्ति को विकसित किया था, जिस आत्मशक्ति को विकसित किया था, अंग्रेजों की सारी शक्ति उनके सामने न्यून हो गई।
उन अंग्रेजों को घुटने टेक देना पड़ा। जब यह आत्मा की शक्ति जब जागृत होती है तब दुनिया की सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और जितने श्रेष्ठ उपादान संसार के हैं वे श्रेष्ठ उपादान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कुंभकोणम में 1897 में ही स्वामी जी ने, दक्षिण भारत का एक शहर है कुंभकोणम, उसमें स्वामी जी ने व्याख्यान दिया माई मिशन ऑफ वेदांत, और उसमें स्वामी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। स्वामी जी ने कहा, टीच योर सेल्फ, टीच एवरी वन इज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स, पावर विल कम, प्योरिटी विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, एंड एवरीथिंग दैट इज एक्सेलेंट विल कम व्हेन दिस स्लीपिंग सोल इज राउज्ड टू सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी। जब आत्म तत्व व्यक्ति का जागृत हो जाएगा तब दुनिया की जो सारे श्रेष्ठ उपादाने स्वयं उसको प्राप्त हो जाएंगे। यही भारतीय शिक्षा का आदर्श है कि हमें उस आत्म तत्व को जागृत करना है, उस भीतर की शक्ति को जागृत करना है। हमको भौतिक विज्ञान से परहेज नहीं है, वह तो जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है, पर वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एक भाषण दिया, द रियल नेचर ऑफ मैन, और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, मैन आर टॉट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दैट दे आर वीक एंड सिनर्स, टीच देम दैट दे आर द ग्लोरियस सन ऑफ इमॉर्टलिटी इवन दो हु आर लोएस्ट इन मैनिफेस्टेशन, लेट स्ट्रांग नोबल थॉट्स एंटर इन टू देयर ब्रेन फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, सेट यूर सेल्फ आई एम ही, लेट इट रिंग डे एंड नाइट लाइक ए सॉन्ग इन योर माइंड, एंड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ डिक्लेयर आई एम ही, द इन्फिनाइट वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ इज योर्स, ड्राइव आउट द सुपरस्टिशन दैट हैज कवर्ड योर माइंड, लेट इट बी बोल्ड, नो द ट्रूथ, प्रैक्टिस द ट्रूथ, द गोल मे बी डिस्टेंट बट अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। कठोपनिषद का यह श्लोक है जो स्वामी जी को बड़ा प्रिय था, तो स्वामी जी ने इसी तत्व पर हमेशा बल दिया। स्वामी जी ने बताया कि हमें उस भीतर की शक्ति को जागृत करना है, और जब यह जो भीतर की शक्ति है, हमारा यह जो आत्म तत्व है, यह आत्म तत्व जब जागृत होगा तब हमको सभी श्रेष्ठ उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वामी जी ने इस भीतर के आत्म तत्व को जागृत करने का उपदेश दिया। भौतिकता से हमारा कोई विरोध नहीं रहा है, और जैसा कि मैंने उनका उद्धरण आपको बताया, महर्षि कनाद का वह श्लोक बताया, वह उक्ति बताई कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में समन्वय भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने कभी भौतिकता की उपेक्षा नहीं की, और जैसा कि मैंने बताया कि हम तो दुर्बल और पराधीन उसीलिए हो गए जिस समय हमने संसार को असत्य मान लिया, हमने शक्ति का त्याग किया, और उसी समय हम दुर्बल हो गए, और फिर हम गुलाम हो गए, शताब्दियों तक गुलाम होते रहे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद आए और उन्होंने हमारे जीवन में विज्ञान और धर्म के समन्वय पर बल दिया। और स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि आज हमको विज्ञान की भी आवश्यकता है, हमको धर्म की भी आवश्यकता है, इन दोनों के समन्वय की आवश्यकता है, और इन दोनों के समन्वय से जो एक संस्कृति हम विकसित करेंगे हमको पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर देगी। स्वामी जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि इंडिया हैज़ टू लर्न फ्रॉम यूरोप द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एक्सटर्नल नेचर, यूरोप हैज़ टू लर्न फ्रॉम इंडिया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल नेचर, देयर वुड बी नाइदर इंडियन नॉर यूरोपियंस, देयर वुड बी एन आइडियल पर्सनैलिटी दैट हैज कॉन्कर्ड बोथ द नेचर्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दे हैव डेवलप्ड वन फेज ऑफ ह्यूमैनिटी, वी हैव डेवलप्ड द अनदर फेज ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दैट इज रिक्वायर्ड टूडे। तो हम विज्ञान और धर्म में समन्वय चाहते हैं, पर हमेशा हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि विज्ञान से हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, पर विज्ञान हमारे जीवन का अंतिम प्रयोजन नहीं है। हमारे जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करना है। विज्ञान के लिए बाह्य उपादान आवश्यक है, बाह्य उपकरण आवश्यक है,
धर्म की साधना के लिए आपको किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप धर्म की साधना कर सकते हैं। तो इस आत्म तत्व को जागृत करना, यही भारत का शताब्दियों से लक्ष्य रहा है। और एक बार जब यह आत्म तत्व जागृत हो जाएगा, फिर हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं सुधर जाएंगी। और इसीलिए हमारे उपनिषदों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, या विद्या सा विमुक्ते, वही विद्या हम लोगों को वरेण्य रही है, वही विद्या हमारे लिए श्रेष्ठ रही है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। तो आज आवश्यकता है हम लोग इस भौतिक विज्ञान की विद्या तो पढ़ें, यह तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पर एक जो बहुत बड़ी गैप हमारे विद्या में है, हमारी शिक्षा पद्धति में है, कि हम इस पराविद्या को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत का प्राण है। तो हमारी शिक्षा पद्धति में जस इस पराविद्या को, आत्मज्ञान की शिक्षा को भी जब प्रश्रय मिलेगा, जब हम ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत करने लगेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे शिक्षा का उद्देश्य है वो सफल होगा। और फिर तब निश्चित रूप से जो भारत है वह विश्व गुरु बनने में समर्थ होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया, धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद।